हेलो, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ये मेकअप लुक। गाइस, इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं और कुछ ऑलरेडी मैं करती ही हूँ, और आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कैसे लगे नए प्रोडक्ट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी हम स्टार्ट करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, और ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ता है। इसका रिव्यू अभी मैं कल ही आपके साथ करके हटी हूँ, अगर आप चाहो तो रिव्यू देख लेना। तो ये आपने अच्छे से इसकी मसाज करनी है मॉइस्चराइज़र की। ठीक लगा मुझे ये मॉइस्चराइज़र, बस थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा लेना पड़ता है। तो एनीवेज, हम इसको अब अच्छे से मसाज करेंगे, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से हमने कर ली है मसाज। तो अब मैं स्विस ब्यूटी का अपना पर्ल इल्यूमिनेटर प्राइमर ये यूज़ करती हूँ। यही मेरा फेवरेट है, ये बहुत अच्छी ग्लो दे देता है और मेकअप को सेट भी रखता है। ये प्राइमर मेरा फेवरेट है स्विस ब्यूटी का। अब हम इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड प्राइमर को। देखो कितनी शाइन सी आ गई है फेस पे। इट्स रियली वेरी गुड एंड अफोर्डेबल प्राइमर। अब हमने ये कर लिया है प्राइम। अब मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की। इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। लेट्स ट्राई इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो ये मैं डॉट डॉट करके सारे अपने फेस पे लगा लूँगी। लगाने के बाद एक ब्रश की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से हम फाउंडेशन को जो है करेंगे ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स के, तो आज कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड के। यस, फाउंडेशन मुझे ठीक लगी, फुल कवरेज नहीं है लेकिन मुझे फुल चाहिए भी नहीं, इतनी ही ठीक है। अब मैं जो कंसीलर है ये भी वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है लाइट बेज, तो ये मैं आईलिड के ऊपर भी लगाऊंगी, सारे लगा लूँगी सो दैट ये आई शेडो के लिए भी एक बेस तैयार हो जाएगा। तो ये अपने आई बैग्स को भी ये जो है हाइड कर देगा, डार्क सर्कल्स को भी। आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम लगती है, जहाँ जहाँ आपको आपको अपने फेस का पता ही है, जहाँ जहाँ आपको मार्क्स लगते हैं या पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ वहाँ अच्छे से कंसीलर लगा के तो हम करेंगे इसको अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद मैं लूँगी कॉम्पैक्ट, ये है मेबलिन का फिट मी, मेरा शेड है आइवरी। इससे हम सेट कर लेंगे अपने कंसीलर को अच्छे से। ये ना पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ना वो आ जाती है, क्रीज आ जाती है, लाइन सी बन जाती है लिक्विड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनकी। तो जब हम पाउडर से सेट कर देते तो वो सेट हो जाता है बिल्कुल, फिर उसमें वो क्रीजेस नहीं बनती। तो ये हमने अच्छे से इसको कर लेना है सेट। तो ये हमारा बेस मेकअप जो है, बेस मेकअप तो हमारा ऑलमोस्ट वी आर डन। अब हमने स्टार्ट करना है अपना आईब्रो से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट लिया है, ये शेड है रोज इन द एयर। तो इसमें मैं जो डार्क ब्राउन शेड है उससे मैं अपने आईब्रोज जो हैं वो फिल करूँगी। पहले अच्छे से कॉम कर लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे फिल। आईब्रोज फिल करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, कभी इसको स्किप मत करना। अच्छे से आईब्रोज जो है वो जो इसका डार्क ब्राउन शेड था काफ़ी अच्छे से उससे फिल हो जाते हैं, नेचुरल लुक आती है। अब आपको देख लो कितना फ़र्क है ना, देखो जो शेप किया है उस आईब्रो में और जो दूसरा है उसमें, आप खुद डिफरेंस देख लो। तो इसीलिए आईब्रोज हमेशा फिल किया करो। तो यस, ये हम आईब्रोज अच्छे से कर लेंगे फिल फिल एंड फिल। ये वाला इनका जो पैलेट है ये बहुत अच्छा है वेट एंड वाइल्ड का। अब हम इसको कॉम कर लेंगे, सेट कर लेंगे और ऊपर की तरफ आर्च बना देंगे थोड़ा सा, ठीक है। सो वी आर डन विद आवर आईब्रोज। अब टाइम आ गया है, हाँ एक सेकेंड, जहाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि
गैप है या कुछ है तो हम ये फिल कर लेंगे। तो अब आ गया है आई मेकअप का टाइम। तो आई मेकअप से पहले आपको पता ही होगा मैं टेप ज़रूर लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो आप भी टेप ज़रूर लगा लिया करें। तो आज मैं वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से दो कलर्स जो हैं इनके साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी। एक है रस्ट ऑरेंज और एक है थोड़ा मजेंटा पिंक कह लो या कुछ भी। तो पहले मैं जो ट्रांजिशन शेड है वो मैं ये जो ऑरेंजिश सा कलर ले लूँगा रस्ट ऑरेंज, इससे मैं ट्रांजिशन दे दूंगी। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और ये बहुत चौकी है, वैसे इतना फॉल आउट होता है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेना। देखो बहुत फॉल आउट होता है ये प्रोडक्ट, तो जब भी आप ब्रश में प्रोडक्ट लें तो थोड़ा सा उसको टैप 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 कर लें सो दैट एक्सेस निकल जाए। तो अब जो ये मेजेंटा पिंक सा कलर है इसको मैं फिंगर से अपनी सेंटर आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ। अब फिर से हम टैप कर लेंगे एक्सेस, क्योंकि ये बहुत चौकी है, बहुत पाउडरी है, तो फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली इसका। तो ये मेरा ट्रांजिशन शेड हो गया और अब मैं ये ट्रांजिशन सेट करके फिर फिंगर से ही वही जो रस्ट कलर है, सॉरी ये पिंक मेजेंटा कलर है, इसको इनर लिड पे प्लेस करूंगी। अच्छे से सेट करने के बाद मैं ये NYBA का द बिग एप्पल ऑफ माय आई काजल जो है ये यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा काजल है, इसका रिव्यू भी मैंने किया है, आप ज़रूर देख लेना। अच्छा काजल है और अफोर्डेबल है, अच्छी पिगमेंटेशन है तो काम चल जाता है। इट्स नाइस काजल। तो इसी से ही मैं जो है आईलाइनर भी इसी से ही लगा लूंगी। ये मैं आईलाइनर इसलिए लगा रही हूँ, वैसे तो मुझे फॉल्सिस लगानी है, फॉल्स आईलैशेस लगानी है, लेकिन जो आईलैश का बैंड होता है उसको हाइड करने के लिए ये आईलाइनर जो है एक फॉर्मेलिटी से एक लगाना ही पड़ता है सो दैट उसका जो बैंड है वो हाइड हो जाए। अब थोड़ा टेप खोल के देख लेते कहाँ कहाँ थोड़ा सा रह गया है, अच्छे से थोड़ा काजल लगा ले सो दैट हम खुल के ये देखो कितना फॉल आउट हुआ है ना। इसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसको कर लूंगी रिमूव। वही ना, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ अभी, इनका इतना पता नहीं है, अब पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि ये बहुत चौकी प्रोडक्ट है, बट पिगमेंटेशन अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, पैलेट अच्छा है। तो अब हम अच्छे से जो काजल है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। तो हमारा आई मेकअप हो गया है, अब हमें हाँ मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा लगाने के बाद मैं आई लैशेस लगाऊंगी। ये मैं लगा रही हूँ मेबिलीन का हाइपर कर्ल मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है। आई जस्ट लव मेकअप, हम कितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं ना सच्चे मेकअप के साथ, इसका कोई भी वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है। अब हमने लगानी है लैशेस, तो मैं अभी आपको लैशेस लगा के मिलती हूँ। तो अब देखो मैंने लगा ली है लैशेस, अब आ गई है लिप्स की टर्न। तो मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, ये ना बहुत अच्छे लिप लाइनर्स है, बहुत क्रीमी है, आप भी ज़रूर मंगवाना। मैंने इनका ना रिव्यू भी शेयर किया है, पूरा 12 का सेट मैंने मंगवाया था और इतना अफोर्डेबल है ना, 200 समथिंग में आपको 12 लिप लाइनर्स मिल जाते हैं। देखो कितनी अच्छी क्रीमी है, इसी से मैंने पूरी लिपस्टिक ही लगा ली। इसके ऊपर मैं हुडा ब्यूटी का ग्लॉस लगा लूँगी। सच में कुछ चीज़ें ना बहुत ही अच्छी हैं स्विस ब्यूटी की, मुझे तो ये पर्टिकुलरली ये जो लिप लाइनर्स है बड़े अच्छे लगे। इसके ऊपर मैंने लगा लिया है ग्लॉस। अब मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने 3D स्टिक बाम ली है, ये मार्स की है, इसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बड़ा ही इजी है, बहुत क्रीमी है, इजीली ब्लेंडेबल है, बहुत अच्छा सा मुझे ये जो है कॉन्टोर इनका जो लगा ना स्टिक, बहुत अच्छी लगी मुझे।
ये देखो कितनी अच्छी शेडिंग आ जाती है ना भाई गॉड, कॉन्टोरिंग से इतना फ्लैट फेस लग रहा था, बिल्कुल ही वाइट वाइट एंड वाइट। और ये थोड़ा सा सन किस लुक आ गई है ये देखो, है ना, सीरियसली बड़ा फर्क पड़ता है कॉन्टोरिंग से, एकदम सन किस लुक आ गई, एक डायमेंशन मिल गई फेस को, है ना। देखो कितना पतला सा लगने लगा। अब मैं कलर्स को इनके पैलेट में से ब्लशर लगाऊंगी, तो ये मैं लगा रही हूँ इनके जो डार्क शेड्स हैं पिंक एंड ऑरेंज, दोनों को मिक्स करके ना ब्रश दोनों में घुमा के फिर लगा रही हूँ। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, एंड में हमने देखना ही होता है एक अच्छे से फिर ब्रश करके, जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट है हम वो डस्ट ऑफ कर भी सकते हैं एनी टाइम। पहले तो मैं लगा के देख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर रेवोल्यूशन का, इसमें मेरा शेड है गोल्डन, ठीक है। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो एंड अपना हाईएस्ट पॉइंट पे हम अपना हाइलाइटर लगा लेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है तो हम हमेशा इसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं, जो जो भी ज़्यादा है, पूरा मेकअप हम एक बार इस ब्रश से थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगी यस, अब मैंने, ये है मेरा फाइनल लुक गाइस, आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने वाली हूँ अभी मेकअप के साथ, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर लें गाइस। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है।